करवा चौथ के व्रत के लिए सभी सुहागनें हाथों पर मेहंदी लगवाती हैं। मेहंदी सिंगार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हाथों में लगी मेहंदी अलग से ही बता देती है कि इस महिला ने आज व्रत रखा हुआ है। सुंदर हाथ लगे ये सभी महिलाओं की इच्छा होती है। इसी के चलते बुधवार को उत्तर पूर्वी जिले के जमुना विहार पार्षद प्रमोद गुप्ता ने महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी का कार्यक्रम रखा। यह कार्यक्रम यमुना विहार पार्षद कार्यालय सहित शिव शक्ति मंदिर सुभाष विहार सनराइज स्कूल भजनपुरा जेएम मॉडल स्कूल गली नंबर 16 भजनपुरा चार स्थानों पर किया गया। दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक मेहंदी लगाई गई। साथ ही पार्षद कार्यालय C9/24 यमुना विहार ये कार्यक्रम देर रात 12:30 बजे तक चलता रहा, जहां एक तरफ करीब 4670 बहनों ने मेहंदी लगवाई, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक मुक्त यमुना विहार बनाने के लिए प्रमोद गुप्ता द्वारा बहनों को कपड़े के थैले भी वितरित किए गए। करवा चौथ के पावन पर्व पर मेरे वार्ड में चार स्थानों पर हमने सभी बहनों को जोड़कर फ्री मेहंदी लगाने का आयोजन किया है। लगभग 50 महिलाओं के द्वारा मेहंदी लगाने का यह कार्यक्रम किया जा रहा है और एक अनुमान में है हमारा कि लगभग हम 2000 से अधिक बहनों को आज फ्री मेहंदी लगाने का कार्यक्रम यहाँ से करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी हों, दीर्घायु हों, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी बहनों ने यहाँ से उनको प्रार्थना की है, उनके लिए दुआ दी है। हम सब लोग मिलजुल कर इस देश की उन्नति के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा सुहागनें इकट्ठा होकर करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, शुभ सबको मनाती हैं, उतना शुभ माना जाता है। तो हम सब मिलजुल कर एकजुटता का परिचय यहाँ से सब बहनों के द्वारा दिया जा रहा है। इस मेहंदी महोत्सव की खास बात ये रही कि पार्षद पत्नी निधि गुप्ता का जन्मदिन होने के कारण महिलाएं बहुत खुश नजर आईं। एक तरफ मेहंदी, दूसरी तरफ केक, दोनों का अलग ही रंग दिखाई दिया। अब गौर से देखिए अलग अलग डिजाइनों में लगी मेहंदी के इन हाथों को, नजारा कुछ अलग ही लग रहा है। जहां 500 रुपए खर्च करके मेहंदी लगवाने वाली महिलाएं इस कार्यक्रम में मुफ्त में मेहंदी लगवाकर काफी खुश हुई हैं। सबसे ज्यादा खुशी उन महिलाओं के चेहरे पर दिखाई दी जो इतनी महंगी मेहंदी नहीं लगवा पाती थी। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। मैंने भी मेहंदी लगवाई, सबसे पहले मैंने ही लगवाई थी और उसके बाद सारी बहनों को अभी लग भी रही है। सबने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, थैंक यू वेरी मच। देखिए करवा चौथ हमारे हिंदुओं में एक पर्व ही इसको हम कहेंगे, तो औरतों के लिए बड़ा अच्छा मौका है सजने का, तैयार होने का। इसमें छोटे छोटे दरअसल इस टाइम पे चार्जेस बहुत बढ़ा देते हैं हम लोग, तो प्रमोद जी ने बहुत ही अच्छा एक पहल की है महिलाओं को फ्री मेहंदी लगवाकर। इससे महिलाओं में उत्साह भी बढ़ेगा और आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर बैठ के आपस बात कर सकेंगी। देखिए सांसद जी का ऑफिस है और प्रमोद जी यहाँ के हमारे निगम पार्षद हैं, तो और उसमें एक होता है बाहर कुर्सी पे बैठ के लगाना और एक होता है पंखे और एसी की हवा में बैठ कर गद्दों पे बड़े आराम से एकता से लगाना जब इकट्ठे लगा रहे हो। बहुत ही बढ़िया उन्होंने ये रखा है महोत्सव और बहुत अच्छी यहाँ पे लड़कियाँ मेहंदी लगा रही हैं। अगर हम बाहर लगाते तो काफ़ी रेट जिसके देने पड़ते, पैसे ज़्यादा देने पड़ते, तो यहाँ पे फ्री उन्होंने जो आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए हमारे वार्ड में ये सबसे पहले प्रमोद जी ने शुरुआत की है इसकी, कि महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगवाई जाए करवा चौथ के मुख्य अवसर पर, जो कि महिलाओं का एक पर्व ही नहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्यौहार है उनके लिए, जो पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत रखती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। तो मेहंदी का एक मेन जो महत्व है वो ये है कि एक दिन पहले ही महिलाएं उसको लगवाती हैं। पार्षद प्रमोद गुप्ता की इस पहल ने हर सुहागन के हाथों पर मेहंदी लगवाकर एक अनोखी पहल की है, जो कि महिलाओं के लिए काफी खुशी की बात है। इस अवसर पर महिलाओं ने पार्षद की इस पहल के लिए आभार जताया। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।